गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट्स वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उसने कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2, मतलब एस सबशेल में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1 to 2, और इनमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप कौन से हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जनरली ये मेटल्स होती हैं। और कौन सी मेटल्स? सॉफ्ट मेटल्स। इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट और बॉयल कर जाती हैं। अगर मेटल्स हैं बेटा तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में ईजिली पास होने देती हैं। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, मतलब अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। अगर ये ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं तो इन इलेक्ट्रॉन देने के बाद बेटा इन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सो दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स जो हैं ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगी, उन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं बेटा जो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दें, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट द एलिमेंट वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू पी ऑर्बिटल, ठीक है। किस में जानेगा बेटा? पी ऑर्बिटल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले बेटा एस भरेगा, एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो। तो NS2, एन होता है शेल, एस होता है सब शेल, तो एस में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? दो। फिर एस के बाद पी भरता है, पी में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन आता है, मैक्सिमम छः इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के बेटा तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम छः इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी में NP 1 to 6, मिनिमम 1, मैक्सिमम 6। तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, एस पूरा भरा होता है, पी में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक एलिमेंट्स आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं, तो ये क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं बेटा। कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, शेयर करते हैं। मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी थी, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। अगर आपको इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगी नहीं। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 6 तक। अगर ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो +1, 2 दे दें तो +2, 3 दे दें तो +3, 4 दे दें तो +4, 5 दे दें तो +5, 6 दे दें तो +6। तो ये 1 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 1 से ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सिंस इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती थी, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव थी। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और अगर गेन करेंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गो गेन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? द एलिमेंट्स वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब शेल, जो डी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होने कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, देखो बेटा अगर एस होगा 4s तो डी होगा 4 - 1 3d। अगर आपको याद हो तो आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी 4s2 3d1, 4s2 3d2। तो मतलब कि अगर S का फोर्थ शेल है तो D का उसमें से एक कम वाला शेल होगा, D का होगा थर्ड शेल, तो एक कम वाले शेल को कहते हैं पेनल्टी मेट शेल। पेनल्टी मेट होता है एक कम शेल,
तो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाए या एन माइनस वन एनर्जी लेवल जिसको कहते हैं पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल उसमें जाए उसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, पहले एस भरता है, एस में जीरो से लेके वन तक इलेक्ट्रॉन जाता है, कई बार टू तक इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है बिकॉज एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर डी जो होता है एन में से एक कम कर दो, अगर एस का फोर्थ शेल है तो डी का थर्ड शेल होगा। डी में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मैक्सिमम डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आपको पता है डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं, अगर पांच ऑर्बिटल होते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो पांच में बेटा कितने जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तीन से लेके 12, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हार्ड मेटल्स होती हैं, अगर हार्ड मेटल हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनकी मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, इनकी चादरें भी बनाई जा सकती हैं, इनकी तारें भी बनाई जा सकती हैं, ये जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाती हैं। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। कैटलिस्ट कौन होते हैं बेटा, आयरन, ठीक है, निकल, वेनेडियम, वो सारे कौन हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली देयर कंपाउंड्स आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। पैरा मैग्नेटिक होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एंड दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट्स वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू एफ ऑर्बिटल, वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है उन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट एन माइनस टू एनर्जी लेवल होता है, मतलब एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, एन माइनस वन होता है पेनल्टीमेट, एन माइनस टू होता है एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले एस पूरा भर जाता है, फिर एन माइनस वन डी होता है, अगर ये फोर एस है तो ये होगा बेटा थ्री डी, ठीक है, एन माइनस वन डी। डी में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मैंने लेंथेनम में सिखाया था, तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एन माइनस टू एफ में जाता है, एफ में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मैक्सिमम 14, क्योंकि एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले एस भरता है, फिर डी में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है डी की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एफ में, एफ में मिनिमम एक मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ठीक है, बेसिकली ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, और एक्टिनाइड बेसिकली रेडियो एक्टिव इन नेचर है, उनमें से रेडिएशन निकलती हैं। ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं हो सकता बिकॉज इनमें से रेडिएशन निकलती हैं। सो ये बेटा है एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।